मध्य प्रदेश बिजली विभाग आउटसोर्स कर्मचारी संगठन की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू। कर्मचारियों का कहना, मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा मंत्री ने नहीं किया वादा पूरा। विभागीय संविलियन और अन्य मांगों को लेकर प्रदेश स्तरीय हड़ताल पर बैठे कर्मचारी। खनियाधान विद्युत विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी आज अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि 23 अगस्त को हमारे संगठन का एक प्रतिनिधि मंडल मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा मंत्री के पास अपनी कुछ मांगों को लेकर गया और उन मांगों को सुनने के बाद माननीय ऊर्जा मंत्री ने एक माह का समय प्रतिनिधि मंडल से मांगा था और वादा किया था कि एक माह के बाद मध्य प्रदेश बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। 23 सितंबर को माननीय ऊर्जा मंत्री के द्वारा मांगी गई समय सीमा समाप्त हो गई, लेकिन आज तक आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगे पर कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए मजबूर होकर मध्य प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के आह्वान पर समस्त आउटसोर्स कर्मचारी आज विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठ रहे हैं। हड़ताल के समय कोई भी कर्मचारी किसी भी तरह कार्य नहीं करेगा, इसकी समस्त जिम्मेदारी मध्य प्रदेश शासन की होगी और हड़ताल की वजह से होने वाली समस्याओं का जिम्मेदार मध्य प्रदेश शासन होगा। यदि इन सब के बाद भी आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों पर गौर नहीं किया जाता तो आउटसोर्स कर्मचारी संगठन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। हमारी मांगे लगभग आउटसोर्स की शोषण चल रहा है और इस चक्कर में हमारी 23 अगस्त को मीटिंग हुई थी माननीय ऊर्जा मंत्री के द्वारा और एक महीना का हमें आश्वासन दिया गया था। उसमें हमें आज तक कोई भी ना मीटिंग बुलाई गई, ना कोई आश्वासन दिया गया, ना आज तक कोई कार्रवाई हुई है। आश्वासन काय का दिया गया था? हमारी जो मांगे थी उसी आपकी क्या मांगे? हमारी मांग यही थी कि हमारे जो कंपनी का आउटसोर्स है उसमें हमारी कंपनी के द्वारा सम्मिलित किया जाए, उससे हमारी वेतन दिया जाए। और अगला कदम हमारा संगठन मध्य प्रदेश बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन तय करेगा, क्योंकि उसके अलावा मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम ने भी अपना समर्थन दे दिया है, भाईस्त्रोत कर्मचारी संगठन ने भी समर्थन दे दिया है। जैसा ऊपरी संगठन द्वारा तय होता है उसका जो लागू करेंगे हम लोग। हमारी मध्य प्रदेश की जो बिजली आउटसोर्स संगठन है उसके बैनर तले हम लोग आज हड़ताल कर रहे हैं। माननीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने हमको एक माह का आश्वासन दिया था कि जिसमें हम आपकी मांगें कुछ 2-3 बैठकों में पूरी कर देंगे, जो कि 23 अगस्त को ये बैठक हुई थी और 23 सितंबर को एक माह का उनका समय पूर्ण हो चुका था, जिसके बाद हमने सभी मध्य प्रदेश में एक ज्ञापन योजना अभियान चलाया था 24 तारीख को। उसमें हमने ज्ञापन दिया था कि हम 27 तारीख को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। माननीय मंत्री जी के द्वारा हमको अनुशासन दिया गया था कि आपका जो बोनस रोका गया बोनस भी दिया जाएगा और हमसे ये भी कहा गया था कि सामान्य कार्य सामान्य वेतन, इन्हीं सब मांगों को लेके हमारी हड़ताल और यहाँ नहीं पूरे मध्य प्रदेश में ही जो हमारा संगठन है वो हर जगह ही हड़ताल कर रहा है, चाहे वो शिवपुरी हो, चाहे गुना हो, चाहे भोपाल हो, जहाँ मध्य प्रदेश के 52 जिलों में ही पूरी आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल है।